सिवनी जिले के समस्त नागरिकों से अपील करता हूँ कि सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि पे किसी प्रकार का भी कोई भी आपत्तिजनक मैसेज जो कि किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष, जाति विशेष या धर्म विशेष के विरुद्ध हो वो पोस्ट ना करें। किसी प्रकार का भी कोई भी फॉरवर्ड मैसेज बिना सोचे समझे, बिना उसकी सत्यता जाने फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी मैसेज जो कि आपत्तिजनक होता है या फिर इससे किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है, भ्रम का माहौल होता है, किसी प्रकार की अफवाह उत्पन्न होती है या असुरक्षा का माहौल पैदा होता है और इसके अतिरिक्त आपराधिक श्रेणी में आता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पुलिस के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति को, समूह को, कोई संगठन को किसी प्रकार का कोई आयोजन करना है तो उसके लिए पहले पूर्व से प्रशासन से अनुमति ली जाए जैसा कि होता रहा है, उसके बाद ही सोशल मीडिया पे इसके बारे में उस अनुमति के मुताबिक ही सूचना प्रसारित की जाए। बिना अनुमति प्राप्त किए सूचना प्रसारित करने से एक अफवाह की स्थिति पैदा होती है, एक भ्रम की, असुरक्षा की स्थिति आमजन में पैदा होती है जो कि पूर्णतः गलत है। तो भविष्य में इस प्रकार से कोई भी आयोजन जब भी कोई व्यक्ति करता है तो पहले अनुमति प्रशासन से ली जाए, उसके बाद ही किसी प्रकार से सोशल मीडिया में मैसेज फॉरवर्ड किया जाए। बिना अनुमति के, बिना उसमें किस प्रकार से आयोजन होना है, मैसेज फॉरवर्ड करने से आयोजनकर्ता को भी यह ज्ञात नहीं होता है कि कौन कौन उसमें शामिल हो रहा है और ऐसे कई सारे अपराधी किस्म के व्यक्ति शामिल होने की संभावना रहती है और जिसका दायित्व आयोजनकर्ता पे चला जाता है। तो इसलिए पहले अनुमति ले लें और अनुमति के नियमों के मुताबिक ही सोशल मीडिया पे मैसेज फॉरवर्ड करें और किसी प्रकार से भी भ्रम की और असुरक्षा की स्थिति सिवनी जिले में उत्पन्न ना होने दें। सिवनी में सभी आमजन शांति पसंद व्यक्ति हैं और कोई भी सिवनी जिले की कानून व्यवस्था को खराब नहीं करना चाहता है और इसमें पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सजग है और किसी भी प्रकार से सिवनी जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित नहीं होने दी जाएगी, किसी प्रकार से शांति को भंग नहीं होने दिया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को असुरक्षित महसूस होने नहीं दिया जाएगा। जो भी कोई व्यक्ति ऐसा कोई कृत्य करेगा जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है, असुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है, तो उस पर सिवनी पुलिस के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।